Vivo. सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बात करिए वीवो का न्यू सीरीज के बारे में, वीवो वी 23 सीरीज के बारे में। ये स्मार्टफोन भाई काफी लाजवाब है और दोस्तों अंडर 30,000 के अंदर रहने वाला है। और स्मार्टफोन में ऐसा कुछ दोस्तों इंक्लूड किया गया है, आपको बहुत ही मजा आएगा और स्मार्टफोन का लुक भाई नेक्स्ट लेवल है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल सारा कुछ बताएंगे दोस्तों आज इसी छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो शुरू से अंदर जरूर देखिए, अच्छा तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों वीवो V23 सीरीज जो होने वाला है वो 5 जनवरी को इंडिया में लॉन्च होगा। और भाई साहब मैं बता दूं, इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च होगा, वीवो V23 एंड वीवो V23 प्रो। ठीक है, और प्रो वर्जन का लुक और वीवो V23 में जो लुक भाई सेम टू सेम है, सिर्फ स्पेस वगैरह थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होने वाला है। इसका लुक के बारे में बात करें दोस्तों, इस स्मार्टफोन का लुक भाई सबसे नेक्स्ट लेवल है। और इस स्मार्टफोन में रहने वाला दोस्तों इंडिया फर्स्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन, यानी आप सोच सकते हो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस स्मार्टफोन जब भी आप स्मार्टफोन हाथ में रहोगे या दोस्तों किसी से बात करोगे कलर के साथ, यानी दोस्तों सनराइज के सामने या दोस्तों कलर के सामने लाइटिंग के सामने आएगा ना, इस स्मार्टफोन का कलर ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेगा। तीन ऐसे कलर में आ रहा है, ठीक है, तीन कलर चेंज होते रहेगा दोस्तों। लुक एक नेक्स्ट लेवल होने वाला है और काफी एक मतलब लाजवाब है। और स्मार्टफोन का दोस्तों कटआउट के बारे में बात करें, स्मार्टफोन का कटआउट दोस्तों एकदम मतलब बिल्कुल डीटो टू डीटो आईफोन से कॉपी किया। साइड फिनिशिंग एंड दोस्तों कैमरा कटआउट जो है भाई काफी एक दिलचस्प वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस स्मार्टफोन का जो कैमरा फंक्शनलिटी है, तीन कैमरा आपको देखने को मिलते हैं और कैमरे के बम्प वगैरह सब कुछ सही है। ठीक है, इसका प्रो वेरिएंट में आपको रहने वाला दोस्तों 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा। स्वागत तो करो हमारा, मतलब भाई साहब जबरदस्त। 108 मेगापिक्सल दोस्तों मेन कैमरे के साथ दोस्तों दो कैमरा रहने वाला है। और रियर में दोस्तों डुअल फ्लैश एंड फ्रंट में भी डुअल फ्लैश रहने वाला है प्रो में। ठीक है, फ्रंट में दोस्तों डुअल फ्लैश के साथ दोस्तों डुअल कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। सो भाई बहुत ही एक्साइटिंग है। और मैं आपको बता दोस्तों 50 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल फ्रंट में शामिल है। दोस्तों हमेशा की तरह दोस्तों वीवो ने काम कर रहा है लुक और अपने कैमरा सेंसर कैमरा में, मतलब काफी ज्यादा काम करता है। तो अगर बात करें वीवो का V23 स्मार्टफोन, ये वीवो V23 में दोस्तों रियर में आपको तीन कैमरा सेटअप मतलब सेम टू सेम देखने को मिलेगा। फ्रंट में दोस्तों शायद सिंगल कैमरा हो सकता है, रियर में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, साथ में दोस्तों वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंड दोस्तों माइक्रो भी शामिल होने वाला है। कैमरा बता जाए दोस्तों काफी ज्यादा नया नया सेंसर इंक्लूड होने वाला है। सो देखा जाएगा दोस्तों 5 तारीख को दोस्तों इंडिया में लॉन्च होगा, सब कुछ बताएंगे दोस्तों इसी चैनल पे। तो प्लीज दोस्तों स्टे ट्यून करें चैनल को सब्सक्राइब करके। सो बात करते हैं स्मार्टफोन में और क्या कुछ है, ऑलरेडी दोस्तों बता चुके हैं सब कुछ। बात करें दोस्तों इस स्मार्टफोन में प्रोसेसर के बारे में, मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट रहने वाला है। मजा आएगा भाई साहब, मजा आएगा, सही बता रहे हैं आपको। आप गेमिंग भी तगड़ा कर सकते हो, स्मार्टफोन का लुक भाई जबरदस्त है। एंड दोस्तों इस स्मार्टफोन का अगर बात करें प्राइस रेंज दोस्तों 30,000 के अंदर रहने वाला है। और मीडियाटेक का इस चिपसेट दोस्तों ज्यादा से ज्यादा मिड रेंज में आता है। तो भाई स्मार्टफोन ओवरऑल सब कुछ भाई सही है। अगर बात करें बैटरी परफॉर्मेंस की, बैटरी दोस्तों आपको ज्यादा नहीं मिलता, ठीक है, 4300 mAh का बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। अगर दोस्तों अगर बात करें लास्ट में इसका डिस्प्ले कितना बड़ा होने वाला है, डिस्प्ले दोस्तों आपको मीडियम होने वाला है, ठीक है, 6.58 inch का दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले रहने वाला है। कार्टून भाई सब कुछ सही है, एमोलेड डिस्प्ले आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। दोस्तों आखिर में अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बारे में अपना ओपिनियन क्या है, मैं बताऊंगा दोस्तों स्मार्टफोन ओवरऑल अगर 30,000 के अंदर रहेगा तो बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है दोस्तों वीवो की तरफ से। दोस्तों अभी तक इंडिया में नहीं आया कलर चेंजिंग स्मार्टफोन। सो भाई एक नेक्स्ट फीचर के साथ दोस्तों स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, अगर प्राइस रेंज और सब कुछ भाई सही सही रहेगा तो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और अगर इंडिया में अंडर 30,000 में लॉन्च होगा तो आप अगर खरीदोगे नहीं वो भी बताइएगा दोस्तों, मजा आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।